यस सर। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं पिवट टेबल में बात कर रहा हूं कैलकुलेशंस की। लास्ट क्लासेस में हमने पिवट टेबल में डिस्कस किया था शॉर्टिंग, ग्रुपिंग, मूविंग इन सबों के बारे में। इसके बाद हमने शॉर्टिंग से रिलेटेड, ग्रुपिंग से रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो कि था अटेंडेंस का, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। आज चलिए हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशंस का कि हाउ कैन कैलकुलेट द डेटा इन द पिवट। आई विल कैलकुलेट रिपोर्ट विद इन द पिवट नॉट अ डेटा। जैसे कि मेरे पास एक सैलरी का डेटा है, मैं इसी को सिलेक्ट करके एक पिवट इंसर्ट करता हूं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे आप लोगों की प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को यहाँ रखा और मान लीजिए कि सैलरी को यहाँ पे रखा, तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हमारी कंपनी ने हर डिपार्टमेंट के लिए एक जो है टारगेट बनाया हुआ है, राइट? टारगेट बजट या बजट कर लीजिए कि आपका इतना से ज्यादा सैलरी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक डिपार्टमेंट का सैलरी का टोटल ए होना चाहिए 15,000। अब मेरे पिवट में 15,000 जो है यहाँ 15 लाख यहाँ नहीं आ रहा है, मतलब कि बजट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने बजट को लास्ट में ऐड किया, हमारा पिवट यहीं तक लगा हुआ है। सो फर्स्ट नीड टू डिसाइड योर पिवट साइज। सो यहाँ डेवलपर में, नहीं डेवलपर माफ कीजिएगा, यहाँ एनालाइज में आएंगे और यहाँ चेंज डेटा सोर्स। जब भी पिवट में कोई नया डेटा ऐड करते हैं तो आपको क्या करना है, डेटा सोर्स को चेंज कर। नया डेटा ऐड के मतलब है कि जहां तक आपने पिवट लगाया उसके बाद अगर आपने पिवट में किसी तरह डेटा में किसी तरह के चेंज नहीं किए, जस्ट रिफ्रेश योर पिवट, आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पिवट के अंदर कुछ नए रोज एंट्री किए हैं, उस ये हमें चेंज करना होगा, रिसाइज करना होगा। तो मैं पिवट के डेटा को दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूं एंड ओके। यहाँ देखिए बजट आ गया। अब मैं बजट से बाकी सबको डिवाइड कर मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। मैं सैलरी को एक बार और रखता हूँ। सैलरी वाले फील्ड में आप एक वैल्यू को मोर देन वन टाइम रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 15 लाख से बाकी सबको डिवाइड करके परसेंटेज निकालना चाहता हूँ कि कौन कितना परसेंट अपने टारगेट का यूज कर चुका है। तो उसके लिए जहां आप वैल्यू फील्ड सेटिंग करते हैं, जहां आप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह चूज करते हैं, उसी के बगल में सो वैल्यू एज आपको दिखेगा। जहां पे कैलकुलेशन में नो कैलकुलेशन लिखा है उसी में नीचे देखिए परसेंटेज ऑफ आपको लिखा होगा। अब परसेंटेज ऑफ में आप बजट को सिलेक्ट कर लीजिए तो बजट की टोटल से बाकी सबको डिवाइड हो गए, आपका परसेंटेज मिल जाएगा कि आईटी 65% यूज कर चुका है, 61% यूज कर चुका है वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें कुछ और चीजें भी है, आप अगर ये चीज समझ में आया आप लोगों को, किसी को डाउट? अर्गेत जी, कुलेश जी, कुंदन जी, किसी को डाउट? नो सर, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है सर, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए सिंपल सी बात को समझिए, सर सर एक बार रिकॉर्डिंग की परमिशन फिर से दे देंगे क्या? किसको चाहिए रिकॉर्डिंग की परमिशन? सर शोभित श्रीवास्तव। ओके, चलिए मैंने दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देना है कि मेरे पास डेटा है, राइट? डेटा में मैंने एक टारगेट ऐड किया हुआ, तो हमारे यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा हमारा लिखा हुआ है, तो हमने चेंज सोर्स डेटा में गया क्योंकि हमने नई पिवट में डेटा ऐड किया है। पिवट लगाने के बाद तो हमने यहाँ इस पे क्लिक किया और एनालाइज पे गया और यहाँ हमारे पास था वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसमें हमारे पास माफ कीजिएगा मैं गलत भी कर रहा, चेंज डेटा सोर्स में जाना है और पिवट को फिर से रिसाइज करना है ताकि मेरा जो बजट है वो तो डेटा में हाफ डेट। अब मैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वैल्यू फील्ड में हम एक वैल्यू को मोर देन वन टाइम रख सकते हैं, बाकी भी रह सकते हैं। तो सैलरी को उठा के मैंने यहाँ पे दे दिया। अब वो सैलरी आई है तो मुझे क्या करना है कि मुझे
ये जो आपका डेटा है इक्वल C4 को डिवाइड करना है 15 लाख से और फिर इसका परसेंटेज निकाल। तो अगर मैंने मैनुअल किया तो पीवर्ड जब रिसाइज होगा तो उसको ओवरराइड कर दूं, मतलब कि मैं यहाँ पे एक और फील्ड रख दूं तो ये आपका उड़ा दे, क्योंकि पीवर्ड का पार्ट नहीं है। तो मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं जो पीवर्ड का पार्ट हो जाए, तो आप इस पे डबल क्लिक कीजिए या फिर यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाइए, यहाँ आपके पास सम वगैरह जो सिलेक्ट करना है कर लीजिए, इसी के बगल में आपको दिखेगा सो वैल्यू एज। इसमें डिफॉल्ट हमारा नो कैलकुलेशन होता है, इस नो कैलकुलेशन में मुझे परसेंटेज ऑफ को सिलेक्ट किया और किससे हमें परसेंटेज निकालना है तो बजट से, तो हमने बजट को सिलेक्ट किया एंड देन ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, समझ आ गया। इसमें और हाँ चीजें भी है, अब जैसे कि मैं बजट कटा दूं तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। अब सबसे पहले आपको ग्रांट टोटल रो टोटल इसके बारे में जानना होगा, फिर इसके बारे में बताता हूँ। बेटा आ गया था, तो उससे पहले मुझे ग्रांड टोटल के बारे में समझना होगा, तो मैंने मंथ को यहाँ रखा। तो ये देखिए, ये आपका कॉलम टोटल आ रहा है, ये आपका रो टोटल है, और सबसे लास्ट में दिख रहा है दिस इज योर ग्रांड टोटल, ठीक है, ये आपका ग्रांड टोटल है। तो मुझे परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए कॉलम टोटल के अकॉर्डिंग मैं मंथ यहाँ एक मंथ बताता हूँ, तो मुझे परसेंटेज निकालना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है कि सैलरी में पूरा जो सैलरी हम देते हैं उसमें किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं बजट को यहाँ सर हम मूव कर देता हूँ, किसका क्या कंट्रीब्यूशन, कि ये आपका 6,25,00,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है तो उसमें किसका क्या परसेंटेज, किस डिपार्टमेंट में क्या परसेंटेज, कितना परसेंट खर्च कर रहा है। तो मैं इसी पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल दिख गया कि आईटी 15% है, बाकी 14 है, बाकी 8 है, 9 है, परसेंट है, मतलब किसने टोटल से सबको डिवाइड कर दिया। इसी में अगर मैं रो टोटल करूं तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ को उठा के कॉलम में रख दिया और अब इसमें रो टोटल करना चाहता हूं, तो जो रो का जो टोटल होगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रो टोटल, तो ये आपका मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन दिखा देगा कि आईटी को जो सैलरी दी गई है तो किस मंथ में कितना परसेंट दिया गया है उसकी ओवरऑल सैलरी की। ऐसे आपको ग्रांड टोटल से चाहिए तो आप यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग में जाके ग्रांड टोटल कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रांड। तो ये यहाँ पे टोटल था, इससे बाकी सबको डिवाइड, तो परसेंटेज निकालना समझ गए आप। हाँ सर। अब एक और चीज है, जैसे कि आपका पैरेंट टोटल या आपका यहाँ पे डिफरेंस फ्रॉम या आपका रनिंग टोटल जो क्यूमुलेटिव टोटल होता है, जैसे मंथली अगर मैं रख डिपार्टमेंट हटा देता हूँ, मंथ रख देता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव टोटल आ जाएगा, डिपार्टमेंट ने मुझे मंथ लेना है ना, मंथ का कभी भी होता है। तो पहले जून महीने में एज टोटल था, एज टोटल है, एज टोटल है, सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड होगा तो इस तरह से टोटल दिखेगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे टोटल यहाँ पे ये चीजें हैं, आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो चीज समझ में नहीं आएगा वो हम आपको बता दें, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फील्ड कैलकुलेशन। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने डेटा पे पिवट लगाया, मैंने इंसर्ट किया, पिवट टेबल लगा,
पिवट टेबल में मान लीजिए कि मैंने डिपार्टमेंट रखा, ठीक है बजट हटा देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। अब कौन आया अभी जिसको रिकॉर्डिंग का परमिशन चाहिए? लेट हो गया आज। हाँ वही तो बोल रहा था क्लास तो। ओके मैं पहले 20 मिनट बता दिया था, एक बार 20 मिनट स्टार्ट होगी प्रिपेयर हो जाए, पर तो ग्रुप में मैसेज कर दिया, आपको ग्रुप में ऐड भी तो कर दिया मैंने सर, अभी मैं आया ही हूँ जस्ट, देखा मैंने आज मंदिर है ना सर, हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सैलरी का टोटल रखा, यहाँ पे मैंने बोनस का टोटल लिखना, यहाँ पे मैंने ओवरटाइम का टोटल। अब मुझे यहाँ पे एक टोटल चाहिए ग्रांड टोटल, टोटल टोटल अमाउंट। देखिए मेरे डेटा में टोटल का जगह नहीं है तो मुझे टोटल इसी में करना है, ठीक है मुझे टोटल इसी में करना है और मैं पिवट के अंदर करना चाहता हूँ। तो एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पे फील आइटम सेट दिखेगा, उसमें कैलकुलेटेड फील्ड के बारे में जाएंगे, यहाँ पे हम देते हैं अमाउंट। अब यहाँ पे हम अपने फॉर्मूले डालते हैं, जैसे मैं सैलरी को सिलेक्ट किया प्लस बोनस को सिलेक्ट किया प्लस ओवरटाइम को सिलेक्ट किया, और इसको ऐड कर दिया। अब यहां देखिए अमाउंट है, अब मान लीजिए मुझे इस अमाउंट का ये निकालना है, 18% का टैक्स निकालना है, तो कैलकुलेटेड फील्ड में आएंगे और यहाँ पे टैक्स दे दिया और मैं यहाँ जो अमाउंट का लिया था उस अमाउंट को सेलेक्ट किया और उसका 18% कर एड, अब यहाँ पे 18% आ गया। तो इसी तरीके से अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं क्या इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है, क्या कोई फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता? जरूर लगाया जाता है, टैक्स ही ले लिया, इसमें देखिए डेसिमल प्लेसेस है, मैं राउंड फिगर में टैक्स चाहता हूँ तो मैं इस टैक्स को यहां से अनचेक कर देता हूँ और वापस फील्ड में जाता हूँ कैलकुलेटर फील्ड में, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे राउंड टैक्स ले लिया 8 टैक्स। तो राउंड करने का फॉर्मूला क्या है एक्सेल में, राउंड का फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पे राउंड लगाया और यहाँ पे हम अपनी टैक्स को इंसर्ट किया एंड कॉमा 0 और इसको ऐड कर, ठीक है एंड पेस्ट ओके टैक्स आ गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सिंपल फॉर्मूला लगाया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं लगाया जा सकता? जरूर लगाया जा सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बाकी सबको हटा देता हूं, मैं अपने यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर को रखता हूं, इसका सम है। अब मैं चाहता हूं कि जिसकी परफॉर्मेंस स्कोर 20 से नीचे है उसको इंसेंटिव, उस डिपार्टमेंट को हम इंसेंटिव जो है 50,000, जिसका 20 से 40 के बीच में है उसको हम लोग इंसेंटिव जो है 75,000 देंगे, और जिसका 45 से ऊपर है उसको मान लीजिए हम देना चाहते हैं इंसेंटिव 1,00,000 रुपए। अब एक चीज भी हम इसी के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए INC कर दिया या कुछ भी नाम दे दीजिए, और इक्वल हम यहां देते हैं इफ, इफ में हम अपनी परफॉर्मेंस स्कोर को सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं अगर लेस देन इक्वल टू 20 है तो 50,000। फिर दूसरा इफ लगाते हैं, उससे भी मैं परफॉर्मेंस स्कोर का ऐड करता हूं, बोलता हूं कि अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो 75,000, अदरवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, दो इफ दो ब्रैकेट क्लोज, एंड हमने इसको ऐड किया एंड देन ओके कर, यह हमारा इंसेंटिव आ गया, ठीक है सर। अब इसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन लगा सकते हैं, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसकी रिजल्ट नंबर्स आए, वो सारे फॉर्मूला आप यहां पे लगा सकते हैं।
अब बात करते हैं कैलकुलेटर आइटम जो डीएक्टिवेट है। अब मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा तो मेरा कैलकुलेटर आइटम एक्टिवेट हो जाए, मतलब दो फील्ड को ऐड करना। मान लीजिए मैं आईटी को और मान लीजिए मैं आरएनडी को दोनों का टोटल करना चाहूं, तो हमने इसके लिए ग्रुप किया था ना, हम ग्रुप के बजाय कैलकुलेटर भी कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे आईटी एंड आरएनडी हो गया ना, आरएनडी और इसमें मैं डिपार्टमेंट का आईटी टीम लिया इंसर्ट किया प्लस आरएनडी लिया इंसर्ट ऐड किया एनओ यहां देखिए, लेकिन वो दोनों फिल रहेगा तो इससे टोटल इफेक्ट होगा आपका, तो आप फिल्टर करके उसको हटा सकते। अब बात आती है किसी ने आपको इस तरह की कैलकुलेशन की भी पिवट भेज दी, आपको पता नहीं है कि क्या कैलकुलेशन है, तो आप यहां लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो एक नई शीट खुलेगी और उसमें आपके ये सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे। तो कैलकुलेशन से किसी को दिक्कत है? नहीं सर, नहीं सर। मुझे आप लोग पिवट की कैलकुलेशन की पांच पांच एग्जाम्पल बना के भेजिए, पांच एग्जाम्पल आपके ये जो फिल कैलकुलेशन की और पांच एग्जाम्पल जो है आइटम कैलकुलेशन की बना के मुझे भेजिए, ठीक है? फिर अगले बार में आगे बढ़ेंगे, और जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? सर एक बात पूछना था सर, लास्ट क्लास में आप एक बोले थे कि वो जो रो है पेपर टेबल में तो उसका हम लोग पूरा डेटा में सिलेक्ट करेंगे, लेकिन दो रो, दो रो दो कलम के बाद तीसरे कलम में हम लोग एक कलम इंसर्ट करेंगे, वो एक एक बार हम कर सकते हैं लेकिन सब डेटा सिलेक्ट करके एक बार भी करेंगे और दो क्रम के बाद। हाँ, तो हमने आपसे पूछा था ना। हाँ सर, तो मैंने बहुत ट्राई किया था लेकिन मिल नहीं रहा सर ऑप्शन। तब बहुत ट्राई किए थे ना जी सर, बहुत बहुत ट्राई किए, दिमाग से घूम जा रहा है सर, मिल नहीं रहा है, पूरा एक्सेल ढूंढ लिया। कुछ और ढूंढिए, हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है सर, एक बार ट्राई करता हूँ, बताऊंगा मैं, सब लोग आएंगे बताऊंगा ना। ओके।